आप भगवान को आत्मा से प्यार करते हो या शरीर को प्यार करते हो, बताइए। चलिए, अगर आत्मा से प्यार करते हो तो आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा को थोड़ी पीरियड्स होते हैं, बताइए। मीरा ने आखिरी सांस तक भगवान श्री कृष्ण को याद किया यार, क्या मीरा को माहवारी नहीं होती होगी, क्या मीरा को पीरियड्स नहीं होते होंगे, बताइए जरा। आत्मा स्वतंत्र है साहब, आत्मा प्यार करती है, आत्मा भक्ति करती है, शरीर भक्ति नहीं करता है। क्वेश्चन ये है कि पीरियड्स में मंदिर चले गए और वहां पे शौचालय भी इस्तेमाल कर लिया, चूंकि पीरियड्स हैं तो शौचालय का इस्तेमाल स्वाभाविक है। अब बोल रही है ये जो प्रसाद लिया है भगवान के लिए, अब इसको अंदर जाके चढ़ाएं या बिना चढ़ाए वापस घर चली जाएं, क्योंकि हमें पीरियड्स है साहब, और हमें ये बताया गया है, हमने ये सुना है कि महावारी में पीरियड्स में महिलाएं दूषित हो जाती हैं, अपवित्र हो जाती हैं, ना तो वो घर का काम कर सकती हैं, ना वो मंदिर जा सकती हैं, ना ही वो पूजा कर सकती हैं, हमें ये बताया गया है साहब। मतलब कौन बताता है आपको ये सारी चीजें कि महावारी में पीरियड्स में महिलाएं दूषित हो जाती हैं, आप पवित्र हो जाती हैं। एक बात बताइए जरा, अगर मेरी माँ के शरीर में मासिक चक्कर नहीं बन रहे होते तो मैं कहां से आता फिर? आप कहां से आते हो जो ये वीडियो देख रहे हो साहब? जहां से आप आए हो वो चीज आप पवित्र नहीं हो सकती, और अगर वो चीज आप पवित्र है तो दूषित आप हो, मैं हूं, पूरी सृष्टि दूषित है फिर। और एक बात बताइए जरा, भक्ति करना, पूजा करना, इसमें शरीर का क्या काम साहब? आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप भगवान को आत्मा से प्यार करते हो या शरीर को प्यार करते हो, बताइए। चलिए, अगर आत्मा से प्यार करते हो तो आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा को थोड़ी पीरियड्स होते हैं, बताइए। अगर आप भगवान को आत्मा से प्यार करते हो तो आत्मा को थोड़ी पीरियड्स होते हैं, शरीर को पीरियड्स होते हैं? शरीर से तो आप प्यार करते नहीं, तो फिर इतना क्या सोचना यार इस चीज को लेकर कि पूजा करें ना करें, मंदिर जाएं ना जाएं, मतलब क्यों सोच रहे हो आप ये सारी चीजें, मुझे ये तो बताइए। और फिर शास्त्रों की बात करते हो, शास्त्रों के श्लोकों की बात करते हो कि देखो ये श्लोक में लिखा हुआ है कि महावारी के दौरान महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती। अरे शास्त्रों की अगर आप बात कर रहे हो ना यार, तो मीरा चरित्र उठा के पढ़िए साहब जरा एक बार। मीरा ने आखिरी सांस तक भगवान श्री कृष्ण को याद किया यार, क्या मीरा को महावारी नहीं होती होगी, क्या मीरा को पीरियड्स नहीं होते होंगे, बताइए जरा। मीरा चरित्र उठा के पढ़िए, अगर आप शास्त्रों की बात कर रहे हो, मीरा चरित्र में लिखा हुआ है कि भगवान को मीरा ने इतना याद किया, भगवान की मीरा ने इतनी भक्ति करी कि सूख कर कांटा हो गई, जो गोल वाली वो होती है ना अंगूठी, उसमें पूरी बाजू आने लगी मीरा की, क्योंकि वो आत्मा की भक्ति थी, वो कलयुगी मानव वाली शरीर वाली भक्ति नहीं थी कि आज पीरियड्स हो गए तो क्या करूं साहब। शास्त्रों की बात कर रहे हो तो गोपियों की भाव देखो यार, गोपियों को पढ़ो जरा 10वां स्कंद उठा के श्रीमद् भगवत कथा का। गोपियां रात को 12 बजे शरद पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण से मिलने चली गई, क्योंकि वो आत्मा का प्यार था। और गोपियां ये कह रही हैं कि जो हमारे घर में हमारे पति बैठे हुए हैं ना मट्टी के पुतले, वो हमारे पति नहीं हो सकते, हमारे पति तो आप हो, आप हमारे परमेश्वर है, क्योंकि हमारा प्यार आत्मा का प्यार है। आत्मा स्वतंत्र है साहब, आत्मा प्यार करती है, आत्मा भक्ति करती है, शरीर भक्ति नहीं करता है, समझ रहे हैं? और फिर क्वेश्चन ये आता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि महावारी के दौरान पीरियड्स के दौरान भगवान एक्सेप्ट नहीं करते कुछ भी। अच्छा, भगवान पिंगला नाम की वेश्या को एक्सेप्ट कर रहे हैं, भगवान आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, भगवान आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार? आप इनसे ज्यादा पापी हो क्या? वेश्या से भी ज्यादा पापी हो आप, बताइए। चलिए, पीरियड्स की बात कर रहे हो ना, माता की, माता रानी ने भैरव को एक्सेप्ट कर लिया यार, माता रानी ने उन्हें वरदान दे दिया कि भैया मेरी जितनी पूजा करो, अगर कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तो फिर मेरी वाली पूजा फेल है साहब। और आप बोल रहे हो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, यार कहां से लाते हो ये सारी चीजें? बुद्धिजीवी हो के सोचा करो चीजों को यार, ये सारी चीजें छोड़ो, दिमाग से निकालो। शौचालय चली गई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप प्रसाद चढ़ाइए, भगवान आपको एक्सेप्ट करेगा, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? अगर फिर भी आपके मन में ये दुविधा है कि यार मैं चढ़ाऊं ना चढ़ाऊं, जो आपके साथ आया हुआ है ना उसे ही दे दो, वही चढ़ा देगा, क्योंकि आपका प्यार साहब शरीर का प्यार है। जब भी आप कंठी माला इनके पीछे भागते रहते हो ना, आपको लगता है कि कंठी पहन लेंगे, दीक्षा ले लेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जब तक नहीं होगी जब तक आप आत्मा से प्यार नहीं करेंगे। शरीर से प्यार करते रहिए, बीमारियों से जूझते रहिए, और ऐसे स्टूपिड वाले क्वेश्चंस के उत्तर खोजते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में लौटेंगे आपसे अगले प्रश्न के साथ।